अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीना का किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपने किचन में लेकर आई हूँ एक मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपी। तो आज हम लेस के साथ कुछ नया ट्राई करेंगे। तो लेस तो अमूमन घर में हर बच्चे को पसंद होते हैं, इसमें अलग अलग फ्लेवर भी हैं। तो आज बिना कुछ लेस से नया बनाया जाए, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और इसके लिए हमें दो हमने यहाँ पर लेमन लिए हैं और ये एक हमने टमाटर लिया है कटा हुआ। इसे हमने बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है। इसके हमने जो बीज हैं वो रिमूव कर दिए हैं, वो हमने नहीं यूज़ करेंगे। और एक हमने छोटा प्याज लिया है, उसे भी बिल्कुल बारीक चॉप किया है। और थोड़ा सा हमने कटा हुआ धनिया लिया है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं, चटपटी सी रेसिपी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जी, हमने लेस के पैकेट को खोल लिया है। इसे आपने थोड़ा सा मोटा मोटा सा इसका चूरा करना है, ज़्यादा आपने इसको बारीक बिल्कुल चूरा नहीं करना, बस हल्का सा इसको दबा के थोड़ा सा छोटा छोटा सा कर लें। और हमने एक बाउल ले लिया है। अब इसमें हम जो हमने ये चूरा किया था लेस का, इसे निकाल देते हैं। ये देखिए, इतना हमने मोटा मोटा सा किया है, ज़्यादा हमने बारीक नहीं किया। तो जी, अब इस लेस के अंदर हम डालेंगे ये टमाटर, प्याज, और ये थोड़ा सा चाट मसाला तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब हम इसमें डाल देंगे। जितना आपको स्पाइसी पसंद हो उसके हिसाब से आप डाल लें। और ये बिल्कुल ज़रा सा नमक डालेंगे, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है और जो हमारे लेस हैं वो भी थोड़े से नमकीन हैं। तो बिल्कुल एक दो चुटकी के करीब हम नमक डालेंगे। और ये हमने लेमन लिया है, इसे निचोड़ लेंगे। अगर छोटा लेमन है तो आप पूरा डाल दें, और अगर बड़ा है तो आप आधा डाल दें। जी, हमने लेमन निचोड़ लेते हैं। ये छोटा लेमन था हमारे पास, तो इसलिए हम पूरा डाल रहे हैं। और सबसे लास्ट में जी हम इस पे थोड़ा सा कटा हुआ धनिया डाल देंगे। और अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो जी देखिए, हमने लेस चाट को अच्छे से मिक्स कर लिया है। उम्मीद करती हूँ उससे पहले आपने ये वाली चाट तो नहीं खाई होगी, तो इसे भी ज़रूर ट्राई करें, खुद खाएं, बच्चों को बना कर दें, बहुत ही मज़े की बनेगी। वैसे सिंपल हम लेस तो खाते रहते हैं, लेकिन कुछ नया बना कर खाएं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं इसी तरह मज़े मज़े की रेसिपीज आपके लिए लेकर आती रहूँ। तो इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।